आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1 मई 1897 को इन्होंने कलकत्ता के बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने अपने गुरु के आदर्शों से और आचार विचारों से प्रभावित होकर इनके नाम पर स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करी गई थी वह दरिद्र नारायण की सेवा हेतु करी गई थी। दरिद्र नारायण कौन? दरिद्र मतलब दीन दुखी। समाज में जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करने के लिए इन्होंने उन्हें भगवान समझा, अर्थात नारायण समझा। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जब करी थी तो इन्होंने कहा ये दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस के बचपन नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण परमहंस के बचपन नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदामणि। तो रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के द्वारा भी गदाधर चट्टोपाध्याय अर्थात रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए थे। ये थे रामकृष्ण परमहंस धर्म की एकता और ईश्वर सेवा पर बल देते थे। ये दक्षिणेश्वर अर्थात तारकेश्वर में काली माँ के पुजारी थे, काली मंदिर के कलकत्ता में। तो ये दक्षिणेश्वर में काली कलकत्ते वाली के ये पुजारी थे, अतः इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया। कि ना रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया क्योंकि ये कलकत्ते काली दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया क्योंकि ये कलकत्ते काली देवी के ये रामकृष्ण की स्थापना अपने गुरु से आज्ञा पाकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। ये एक वकील थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। ये अपने 9 भाई बहनों में से एक थे। और इनकी जो माँ थी वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनके बाबा कभी 25 वर्ष की अवस्था में संत बन गए थे। तो ये अपने बाबा के विचारों को सुनकर भी बहुत प्रभावित थे। इनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इनके बाबा भी 25 वर्ष की अवस्था में संत बन गए थे। तो ये अपने बाबा की तरफ से और माँ की तरफ से बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये मूर्ति पूजा, श्री राम की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा, सीता की पूजा, इन सभी पूजाओं और हनुमान की पूजा में ये काफ़ी रुचि रखते थे। और इनके सामने ये काफ़ी देर तक बैठ के तपस्या किया करते थे। ये बचपन में ही काफ़ी तपस्या किया करते थे। ये साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। ये साधु संतों की तरफ से काफ़ी आकर्षित हुआ करते थे और उनमें भी जो घुमंतू साधु संत हुआ करते थे ये उनसे बहुत आकर्षित थे। इनकी इन प्रवृत्तियों को देखते हुए इनकी माँ इन्हें समझा बुझा में बहुत असफल रहीं, इन्हें ज़्यादा समझा नहीं पाई। इनकी माँ ने एक बार कहा था कि मैंने शिव से एक पुत्र मांगा था लेकिन शिव ने अपने राक्षसों में से एक भेज दिया। इनकी माँ के कथन थे। मतलब ये समझो, इन्हें मतलब डांटने में और इन्हें रोकने में, किसी कार्य में और समझाने में कितनी मेहनत करती थी इनकी माँ। और तंग होकर उन्होंने कहा था कि मैंने शिवजी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और शिवजी ने अपने राक्षसों में से एक को भेज दिया है, ऐसा माँ ने विवेकानंद के बारे में बोला था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त था। ये घूमते घूमते 17 वर्ष की आयु में ये सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। ये घूमते घूमते 17 वर्ष की अवस्था में
घूमते घूमते इनके संपर्क होते हैं। 17 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट होती है। रामकृष्ण परमहंस से भेंट इनकी होती है 1880 में, अर्थात इनका जन्म 1863 में हुआ था। लगभग 17 वर्ष की अवस्था में थे। 17 वर्ष की अवस्था में एक संत आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से इनके 1880 में संपर्क होते हैं और ये अपना इन्हें गुरु बना लेते हैं। कि न रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लेते हैं। यहाँ रामकृष्ण परमहंस भी स्वामी विवेकानंद को, इनका नाम तब विवेकानंद नहीं होता है, तब इनका नाम होता है नरेंद्र नाथ दत्त, अर्थात रामकृष्ण परमहंस भी नरेंद्र नाथ दत्त को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। नरेंद्रनाथ दत्त को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। कुछ दिनों शिक्षा ग्रहण करने के बाद नरेंद्र दत्त 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं। 1891 में 1880 में रामकृष्ण परम के हंस के शिष्य बनते हैं और लगभग 10 वर्ष इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। ये संपूर्ण भारत यात्रा करने के लिए निकलते हैं क्योंकि इन्हें इनका उद्देश्य था दीन दुखियों की सेवा करना। तो इन्होंने सर्वप्रथम पहले दीन दुखियों की सेवा करने के लिए पहले दीन दुखियों की स्थिति तो देखी जाए। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद 1891 में ये दीन दुखियों की स्थिति को देखने के लिए निकलते हैं। जब स्थिति को देखने के लिए निकलते हैं तो उस समय इन्होंने दीन दुखियों की भुखमरी और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था। उस समय इन्होंने भुखमरी और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। भुखमरी और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। ये अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते करते एक बार राजस्थान में राजा खेतड़ी के यहाँ पहुँचते हैं। ये अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए अपने गुरु परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए एक बार राजस्थान में खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत राज सिंह से मिलते हैं। तो अजीत राज सिंह ये खेतड़ी के राजा होते हैं। तो अजीत राज सिंह के सुझाव से ये अपना नाम बदल लेते हैं। इनका नाम पहले होता था नरेंद्र नाथ दत्त और ये अपना नाम रख लेते हैं विवेकानंद। तो राजस्थान खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव से अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लेते हैं। और कुंवर अजीत सिंह द्वारा दिए गए खर्चे से ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिंदू धर्म की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाते हैं। जब इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी जाती है, अर्थात अजीत सिंह के सुझाव से ये अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लेते हैं और अजीत सिंह के खर्चे पर ये विश्व धर्म सम्मेलन होता है। तो इस सम्मेलन में ये सनातन धर्म की तरफ से प्रतिनिधित्व करने जाते हैं और इन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता है। तो ये 19 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो यहाँ से इन्हें बहुत विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो स्वामी विवेकानंद को प्रथम विश्व प्रसिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई थी? शिकागो धर्म सम्मेलन से। तो यहाँ से इन्हें प्रथम विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो इनके बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका में
इनके बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका, द न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका, इनके बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका लिखती है तूफानी, हाँ लिखती है तूफानी भ्रमण करने वाले, तूफानी भ्रमण करने वाले संत। इनके भाषण जब अमेरिका के लोग सुनते हैं तो अमेरिका की पत्रिका होती है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, अमेरिका की पत्रिका होती है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका में स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला संत कहा जाता है, और कहा जाता है द न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका में छापा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिस देश में स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हों ऐसे देश में पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में दलितों और सर्वाहार वर्ग, सर्वाहार मतलब ओबीसी पिछड़ा वर्ग, दुनिया में दलितों और सर्वाहार वर्ग का शासन होगा जिसका प्रारंभ रूस और चीन से होगा। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में दुनिया में सर्वाहार और दलितों का शासन होगा जिसकी प्रारंभ या जिसकी शुरुआत रूस और चीन से होगी। ये 3 वर्ष तक शिकागो में रहे और 3 वर्ष तक शिकागो में रहने के बाद इन्होंने 1893 में इन्होंने भाषण दिया था और 3 वर्ष रहे, 3 वर्ष बाद 1896 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1896 में ही इन्होंने न्यूयॉर्क की दूसरी दिशा अर्थात कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की, कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की, शांति आश्रम की स्थापना की 1896 में। उसके बाद इन्होंने चार वर्ष तक कई देशों का भ्रमण किया, चार वर्ष तक कई देशों का भ्रमण किया जिसमें इन्होंने अमेरिका, कई देशों का भ्रमण किया अमेरिका इंग्लैंड, कई देशों का भ्रमण किया अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी, कई देशों का भ्रमण किया। 4 जुलाई 1902 को इनकी कलकत्ता में देहावसान हो गया। इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी, कर्मयोग राजयोग और धर्मयोग, कर्मयोग राजयोग, राजयोग और धर्मयोग पर इनकी रचनाएं थीं कर्मयोग राजयोग और धर्मयोग। कर्मयोग राजयोग और धर्मयोग इनकी रचनाएं थीं और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, रचना या पुस्तक उसे कहना चाहिए, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी मैं समाजवादी हूँ। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी मैं समाजवादी हूँ। इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद पर बल दिया था, ये मूर्ति पूजा और अवतारवाद के समर्थक थे, ये मूर्ति पूजा और अवतारवाद के समर्थक थे स्वामी जी, ये मूर्ति पूजा और अवतारवाद के समर्थक थे, मूर्ति पूजा और अवतारवाद के समर्थक थे क्योंकि ये स्वयं एक मूर्ति के पुजारी थे, ये कलकत्ते काली, इनके गुरु भी तारकेश्वर या दक्षिणेश्वर में कलकत्ते काली के संत थे और ये भी कलकत्ते काली वाली के संत थे, अर्थात ये कलकत्ते काली देवी के पुजारी थे। इन्होंने दर्द नारायण की सेवा करने के लिए इन्होंने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी और इन्होंने इसका मुख्यालय 1899 में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय 1899 में इन्होंने बेलूर में इन्होंने मुख्यालय खोला था। बेलूर में इन्होंने एक दरिद्र की सेवा के लिए इन्होंने बेलूर मठ का भी निर्माण किया था। उस समय भुखमरी पड़ी हुई थी और इन्होंने घूम घूम कर काफ़ी भिक्षा प्राप्त करी थी और जो इन्होंने समाज सेवा के लिए धन जो एकत्र किया था और जो मंदिरों से जो धन एकत्र हुआ था उन एकत्र धन को इन्होंने बेलूर मठ निर्माण में लगाने की सोची। लेकिन उसी समय भुखमरी पड़ी हुई थी, इन्होंने तो बेलूर मठ का निर्माण करना बंद कर दिया था और इन्होंने वह धन भुखमरी और गरीबों में और भूखे लोगों में बांट दिया था। कुछ दिनों के लिए इन्होंने बेलूर मठ को रोक दिया था। बेलूर मठ बाद में पूर्ण किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं माना था कि जिस प्रकार सभी नदियाँ और धाराएँ जल को समुद्र की ओर ले जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म मानव को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं माना था कि जिस प्रकार सभी नदियों और धाराएं जल को समुद्र की ओर ले जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म भी मानव को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इनके ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें सृजन की प्रतिमा कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें सृजन की प्रतिमा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिमा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद में महात्मा बुद्ध का हृदय है, स्वामी विवेकानंद में बुद्ध का हृदय है और शंकराचार्य की बुद्धि है। ये युक्ति भी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। स्वामी विवेकानंद ने दूसरी बार 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म सम्मेलन में फ्रांस पेरिस में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भाग लिया था जिसमें इन्होंने कहा था शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित व्यक्तियों को दोषी मानता हूँ जो गरीबों की जनता से ही पढ़कर और उन्हीं पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षित वर्गों के लिए भी कुछ कहा था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से आयरस की एक महिला प्रभावित होती है और इनकी शिष्या बन जाती है। स्वामी विवेकानंद के भाषण से प्रभावित होकर आयरस की एक महिला प्रभावित होती है और इनकी शिष्या बन जाती है जिसका नाम होता है मार्गरेट नोबल। ये आयरस की थी, मार्गरेट नोबल। लेकिन स्वामी विवेकानंद इसे अपनी बहन का दर्जा देते हैं और इसका नाम बदलकर निवेदिता रख देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा मार्गरेट नोबल को सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया। स्वामी विवेकानंद का जीवन 41 वर्ष का रहा था। स्वामी विवेकानंद का जीवन 41 वर्ष रहा था अर्थात इनका देहावसान 4 जुलाई 1902 को हुआ था कलकत्ता में। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में ही हुआ था।